जय श्री मन्नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है जीने की, आपको मैंने देख ली वही सबसे बड़ी मेरी इच्छा थी। पहली बार आसनसोल में आप गए थे, वहाँ मिले थे, बट बात नहीं हो पाई थी आपसे जी। उसी टाइम से मुझे एक आशा थी, आप एक भजन गाए थे, आशा रख पगली, ये भजन सुनकर आज तक मेरे दिल में वो आशा थी जरूर मेरे गुरुजी से दर्शन होगी। आज आपने आपसे दो दो बार मेरी दर्शन हो गई। खुश रहिए। आप बंगाल से आए हैं? हाँ हाँ, कलकत्ता से आए हैं। और एक प्रश्न है गुरुजी, मेरे हस्बैंड ना कोई आपका कथा या पर्स उतरी सुनते बहुत रोते हैं, कुछ भी आपका शॉर्ट देखते बहुत रोते हैं। क्यों? पता नहीं समझ में आता है, अपना आंसू छुपाने लगते हैं। वो उनके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, इसलिए वो भगवत प्रेम में रोते हैं। अच्छी बात है। बोल नहीं पाते लेकिन बहुत रोते बहुत। तो कथा है ही ऐसी, जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुन लेगा, भगवान की तड़प उठेगी तो अपने आप रोएगा ही वो भगवान की यादों में। और कभी सोचे नहीं थे मेरे हस्बैंड इतना जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे और उनको लेकर हम यहाँ आ सकते हैं, मन में कभी ये नहीं सोचे हुए तो थे। आपके पति आए हैं? हाँ हाँ आए हैं। अच्छा, खुश रहिए। जय श्री नारायण। जय श्री मन नारायण। कैसे हैं? ठीक है गुरु जी। खुश रहिए। कथा रोज सुनते हैं? हाँ। प्रसन्न रहिए। और कोई सेवा हमारे लायक? सब कुछ ठीक है गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, एक सवाल पूछना था। जैसे पति पत्नी है तो पत्नी के अगर गुरु कोई और है तो वो उनके जो हस्बैंड है वो उन्हीं को गुरु माने या किसी और को बना सकते हैं? अपने जो आपको अच्छे लगे, जिनसे आपको ज्ञान मिले, जिनसे आपको संतुष्टि मिले, वो गुरु होने चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु हमेशा वो होने चाहिए जिनको आप अपने हृदय से प्रेम करते हों और आपके अज्ञान को जो दूर करने की सामर्थ्य रखते हों। ठीक है गुरु। एक प्रश्न और पूछना था जी। कई जगह सुनने में आया है, पढ़ा भी है मैंने। माइक पास में लो। हाँ, पढ़ा भी है और कई जगह जैसे टेलीविजन देखते हैं हम लोग तो उन कथाओं में भी सुना है, देखा है कि शिव जी ने जैसे विष्णु भगवान को जन्म दिया या उन्हें उत्पन्न किया है ना, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया नारायण ने, तो ये इस विषय में थोड़ा संशय है मेरे को कि किसने मतलब पहले, जैसे आप बताते हैं कि नारायण ही सर्वे सर्वा है और शिव जी को उन्होंने वो किया है, तो आप थोड़ा ये भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा की भ्रकुटी से हुए शिव, ऐसा भागवत जी के अनुसार वर्णन है। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी से सृष्टि का क्रम मिलेगा। ये इसलिए मिलता है क्योंकि कल्प भेद है, कल्प कल्प की चर्चाएं हैं। भगवान कभी शिव जी से कहते हैं कि आप इस बार की सृष्टि कर लो, कभी कहते हैं देवी जी से कि देवी, भागवत में देवी के अनुसार आप सृष्टि कर लो। जैसे एक ही काम है, उसी काम को कभी आपने कर लिया, कभी आपके पुत्र ने कर लिया, उसी तरह कभी आपकी पत्नी ने वही काम कर लिया, उसी तरह कभी देवी से सृष्टि हो गई, कभी ब्रह्मा से, कभी शिव से, कभी भगवान विष्णु से। काम एक है, कभी इन्होंने कर लिया, कभी इन्होंने, तो इस पुराण में इनका, उस पुराण में उनका लिखा है। सारी बातें सही हैं, कल्प भेद है। धन्यवाद गुरु जी।